আটমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ করা ইন্টারলকিটর রাজ্যে আসবে। চিকিৎসাজনিত কারণে দীর্ঘদিন রাজ্যের বাইরে ছিলেন তিব্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। শুক্রবার তিনি রাজ্যে ফিরে আসেন। রাজ্যে এসে এমবিবি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, শুক্রবার ওনার সাথে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। 10 মে তিনি পুনরায় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবেন। 8 মে রাজ্যে আসবে ইন্টারলকিটর। পাশাপাশি তিনি মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মণিপুরের পরিস্থিতি ভালো নয়। সেখানে রাজ্যে যে সকল জনজাতি ছাত্র ছাত্রীরা আটকে রয়েছে তারা রাজ্যে ফিরে আসতে চাইলে তাদের জন্য তিনি বিমানের ব্যবস্থা করবেন বিনামূল্যে। পাশাপাশি তিনি বলেন, অশান্তি করে কারো কোনো লাভ হবে না, তাই তিনি মণিপুরবাসীকে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেন। তিনি আরো জানান, ইতিমধ্যে তিনি মণিপুরের বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে কথা বলেছেন, ঘটনার বিষয়ে অবগত হয়েছেন। नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, एक महीना, मैं एक महीना चुप रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। 8 तारीख की जो लखीते जा रहे हैं, मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। तिब्रा शाह का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है। कुछ नहीं होने वाला, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने बात किया है और मणिपुर में जितने भी हमारे इंडिजिनस लोग हैं, लड़के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा है कि उनका अगर उनको वापस आना है तो मैं उनका पूरा ट्रेन का टिकट का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ख़राब समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। मेरा ख़राब समय में भी मेरे लोगों ने मेरे साथ खड़ा रहा। तो आज अगर उनके लिए वहाँ में मणिपुर में जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है, तो मैं उनके लिए आने के लिए पूरा प्लेन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा है 100%। और रहा बात वायलेंस का, वायलेंस से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। आई अपील टू ऑल माई मैत्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो इसके पीछे है कोई और है, आप लोग सामने एक संग मिलकर ठंडा शांति रखकर एक दूसरे से बात कीजिए। वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा और ये नुकसान का फायदा कोई और होगा। मणिपुर का सीएम के साथ बातचीत हुआ? मैं मणिपुर के सीएम को जानता नहीं हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँगा। लेकिन मणिपुर में बहुत लीडर्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी है, मैत्री कम्युनिटी से भी है और कुकी कम्युनिटी से भी है। मैंने उन सबसे बात किया है और अगर वो चाहते कि मैं इसमें कुछ करूँ तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरव्यू। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि शांति रहना चाहिए। किसी का घर, किसी का चर्च, किसी का मंदिर को नहीं जलाना चाहिए। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा और सोसाइटी डिवाइड होगी। अभी त्रिपुरा का पहाड़ का सिचुएशन क्या है? आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है, 8 तारीख को आप देखिए क्या होगा, उसके बाद आप बात कीजिए। मैंने आज ही होम मिनिस्टर से सवेरे बात किया है और 10 तारीख को मैं होम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और 8 तारीख को इंटरलोकेटर त्रिपुरा आ रहा है। और जो लोगों ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया था कि नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, एक महीना, मैं एक महीना चुप रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोकेटर्स आ रहे हैं, मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। तिब्रा शाह का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।